ये बॉर्डर है, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं 0 पॉइंट में खड़ा हूँ अभी। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं ले के लिए। ठीक है सर, बाय बाय। हाँ, स्टार्ट होता है पाटसियो, ये है हिमाचल प्रदेश, लाहौल में आता है। सो आज हम लोग डायरेक्टली लेच पहुँच जाएंगे, मे बी पहुँचते पहुँचते 8-9 तो बज ही जाएगा। तो अभी देखो ये नज़ारा देखो कितना सुंदर है। कल तो ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बिकॉज पूरा फॉगी फॉगी था, क्लाउड था, ठंडी था, बारिश हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज सुबह उठ के देखा इतना खूबसूरत जगह है। इसका आगे एक जगह है जिंगजिंग बार। अभी मैं पहुंच चुका हूं जिंगजिंग बार और इसके आगे मेरे को मिलेगा सरचू। सामने हम लोगों को रुक जाने के लिए बोला तो हम लोग यहां पे रुक गए हैं। यहां पे इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है। हम लोग अभी 20-25 गाड़ी को क्रॉस करके आया और कितना सिक्योरिटी था, बड़ा बड़ा बंदूक लेके खड़ा था ऊपर में और अभी भी सामने आ रहा है। तो ये लोग जाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, तब तक नज़ारा देख लेते हैं। यहाँ का सुंदर नज़ारा है, आप लोग भी देखो हम लोगों के साथ, फिर सरचू में जाके मिलेंगे।
क्या है? जैन क्या आ जाएगा ना? क्या अभी जैन का आ जाएगा? मॉडल ये जैन के, ओके, ये सर चेक पोस्ट, चेक पोस्ट है इसके, ये हिमाचल है, ये हिमाचल है, उस पर जैन के आ जाता है। और ये सरचू है, सरचू पुलिस चेक पोस्ट है ये। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होता है, मेरे को आरसी बुक चेक किया, हाँ उसके बाद ही छोड़ रहा है। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे सरचू से आगे आगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, और ब्रिज का, ब्रिज ख़राब हो गया है, तो पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। और ये ब्रिज अभी तक बना नहीं, तो ये लोग बोल रहा था 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ले यहाँ से 251 किलोमीटर है, तो यही रोड है। रोड जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहो। और सब लोग बैठा है, फौजी लोग है, सब लोग गाड़ी लगा के लाइन लगा के देखो, सब लोग बैठा है। देखते हैं कब तक ठीक हो जाएगा ये। ऐसी रोड का काम चल रहा था, तो ऐसे ही उस पार से इस पार आए, तो देखो यहाँ पे पूरा ले बोला ना 250, हाइट 3260, ठीक है। लोमा पता नहीं कहाँ है, और भी आगे होगा ये। फिर इस रोड से हम लोग जाएंगे ले, और अभी काम चल रहा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा। आराम से धीरे धीरे निकल जाए तब तो कुछ नहीं होता, जब तेज आती है तो कुछ नहीं होता। सलक मारना पड़ेगा दरिया। अभी अभी टाइम लगेगा ये ठीक होने में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसके बाद ही जितना भी गाड़ी, बाइक, कार जितना भी है वो सब छोड़ेगा। हाँ तो भैया आप कुछ बोले, हाँ ब्रिज का काम चल रहा है, वो उस पर जो है वो हिमाचल है, और नदी का इस पर ले है। ये बॉर्डर है, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं 0 पॉइंट में खड़ा हूँ अभी। उस पहाड़ ले में आ जाता है, इस पहाड़ एचपी में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। ये लाहौल में आता है ना, ये लाहौल, लाहौल स्पीति है। हाँ वेट करते करते 1.5-2 घंटा हो गया यहाँ पे, और फिलहाल कुछ देर पहले ब्रिज कंप्लीट हुआ, तो एक खुशी है हम लोग अभी ले के लिए निकल सकते हैं। अभी ये लोग छोड़ दिया है ले के लिए, और यहाँ से ले 251 किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ भी नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नेटवर्क, मेरे को नेटवर्क मिलेगा उपसी और अदरवाइज ले में, तो यहीं पे जाके मैं नेटवर्क मिल सकता है, घर पे बात कर सकता हूँ। लास्ट 2 दिन से बात नहीं किया घर पे। Thank you.
कहाँ जा रहा है आप लोग? नहीं जाएंगे, कहाँ जा रहा है? पीछे यहाँ पे आर्टिफिशियल टेस्ट वगैरह के लिए रुका है। अरे यहाँ पे जस्ट ऑर्डर चेक किया और कुछ नहीं। मिट्टी का रोड है लेकिन ये पूरा ऊंचा नीचा हो रहा है। रोड भी ऐसी है और बस ये तो सुबह जैसे बारिश होगा तो ये पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाएगा, चल नहीं पाओगे इस रास्ते से। ये सरचू से आगे है रोड, तो अभी तो फिलहाल ठीक है बट स्नोफॉल होगा या जैसे कल बारिश हुआ ये रोड एकदम खराब हो जाता है। ये पूरा झिकझैक रोड है, ये पूरा झिकझैक रोड नीचे से ऊपर तक। ये पांग यहाँ से 45 किलोमीटर्स और देखो ऊपर भी जा रहा है, पूरा झिकझैक रोड है। और यहाँ का नज़ारा तो बोलो ही मत, इतना सुंदर है क्या बोलूँ आप लोगों को, बोलने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है और इसको थैंक्स। राइट साइड में दिखाई दे रहा है ना एक्सीडेंट, थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना तो एकदम पूरा खाई पे, कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। भाई लोग क्या रोड है, क्या नज़ारा है, सबका सपना होता है और मेरा भी यही सपना था, ऐसा रोड में कभी बाइक चलाऊँ, बाइक लेके लद्दाख जाऊँ। आज थोड़ा थोड़ा करके पूरा होने जा रहा है। और एक बात, आप हिमालय रेंज को जितना देखोगे नज़दीक से आपको मन नहीं भरेगा। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Just अभी हम
पे पहुंचे। पंख एल्टीट्यूड 15,280 फीट। देखो अभी हम लोग पंख से जा रहे हैं आगे लेक की तरफ। यहाँ का नज़ारा देखो, क्या मस्त नज़ारा है। हम लोग लगभग ले पहुंच ही गए और ले यहाँ से 136 उपसी 85 NH3 है। देखो रोड देखो और इसका नज़ारा देखो, क्या मस्त है। यहाँ पे क्लाइमेट भी ऑसम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और एक सुंदर सा रोड। देखो थोड़ा देर में उपसी नजारा देखो, नजारा क्या देखने में है। उपसी और 76 किलोमीटर, उसके बाद ले आ जाएगा। क्या मजा, रोड तो बड़ी मजेदार है, क्या बोलूं, थोड़ा थके हुए हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है तांगलांगला पास। तांगलांगला पास है सेकेंड मोटरवेल पास। इसका हाइट है 17,582 फीट। ये है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरवेल पास। पांग से ये 66-67 किलोमीटर होगा तांगलांगला पास। थोड़ा देर पहले हम लोग इसमें उपसी में उसमें चेक पोस्ट में रीच हुए और यहाँ पे वहाँ पे नाम वगैरह लिखा। हाँ वहाँ पे कोविड टेस्ट किया। हाँ आर्टिफिशियल मतलब रैपिड टेस्ट 10 मिनट्स में लोग ये दे देगा। यहाँ से 40 किलोमीटर से ले ले आज मैं भी अभी तो आज 8 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। ले 8-8-10 तक तो पहुंचना चाहिए। हाँ अभी देखो ले यही वाला रास्ता ले में जाता है। हाँ बाइक इधर खड़ा है और कितना सुंदर जगह है। गाना बज रहा है बहुत सुंदर।
ये जो ब्रिज देख रहे हो ये ब्रिज है उपसी ब्रिज, ठीक है। अभी इसको ब्रिज को क्रॉस करके ले तक ले का रोड है ये, ले जाना है हम लोग अभी ले के लिए जा रहे उपसी ब्रिज क्रॉस। सर जी ये रिवर का नाम क्या है? उपसी रिवर है। ये रिवर का नाम ही ये रिवर का नाम ही उपसी है। लेफ्ट साइड में अभी शाम का हो रहा है 7:58 और हम लोगों को ले पहुंचना है। ले यहाँ से 48-49 किलोमीटर है तो पहुंचने में भी हम लोगों का मोर देन 1 आवर्स लग जाएगा। तो तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं हम लोग कहाँ पे टेंट लगाऊं। और एक बात है, उपसी ऐसा जगह है जो एंशिएंट टाइम में ट्रेडिंग होता था इंडिया तिब्बत का। अभी भी रोड है। और एक बात, उपसी घुसने का 30 किलोमीटर आगे से रोड और नज़ारा देखने लायक था। इतना कलरफुल मैंने कभी नहीं देखा हिमालय रेंज को। फिलहाल लेह लद्दाख पहुंच गए तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल लेह का जर्नी फिर से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल चलेंगे पेंगोंग लेक, मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन लद्दाख।